पटरी है ये, पटरी पे कौन कौन बैठता है शाम को बातें करने के लिए? अक्सर लोग ना पटरियों पे बैठ जाते हैं शाम को बातें करने के लिए जब वो दोबारा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम विद अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको कंप्लीट देखिएगा। इसमें आपको दिखाएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। आज हमने सैरी की डिफरेंट तरीके से और अफ्तार की रूटीन, और हम लोग गए मार्केट बच्चों की चीज़ें लेने। तो अभी मैं आई हूँ शारिक और उकाशा की, मैंने शर्ट्स में एम्ब्रॉयडरी होने के लिए दी हुई थी ड्रेस के लिए, तो वहाँ पर अंकल जो है कुछ एम्ब्रॉयडरी की हुई थी उन्होंने लेडीज़ शर्ट, तो मैं वहाँ ये आप ये देखने लग गई हूँ। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं एक ड्रेस बनवा लूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तीन ड्रेसेस थे सेम, लेकिन कलर सेम थे, कलर कॉम्बो सेम था, लेकिन तीनों पर डिफरेंट डिफरेंट किस्म की एम्ब्रॉयडरी की थी अंकल ने, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में करते हैं। अगर आप लोग भी करवाना चाहें और आप मंडी भाव दिन में रहते हैं तो डू आस्क मी इनबॉक्स मी, आई विल टेल यू कि कहाँ से और कितने रीज़नेबल प्राइसेस हैं इनकी। बहुत अच्छी कढ़ाई करते हैं, इनकी बाज़ार में कोई शॉप नहीं है, ये घर में ही काम करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट शर्ट्स थी जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, और सब बहुत अच्छी थी और बहुत नीट की हुई थी। और अभी आपको दिखाएंगे कि आज की रूटीन, आज हम लोग गए बाज़ार और वहाँ पे कुछ बातें भी मैंने आपसे करनी है। बाज़ार में कुछ एक चीज़, एक ऐसी चीज़ मैंने देखी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा और थोड़ी टेंशन भी हुई, तो वो वाली बातें करते हैं खैर बाद में। यहाँ पे ये फ़्रॉक्स थी, वो शर्ट्स बनाई हुई थी और ये फ़्रॉक्स है, फ्रॉक्स की फ्रंट बनाई हुई है उन्होंने, और बस ये दोनों फ्रॉकें सेम थी, लेकिन डिज़ाइनिंग सेम थी, अंदर वाले फ्लॉट चेंज थे। ये जो ड्रेस अंकल कढ़ाई कर रहे थे ये बिल्कुल सफ़ायर का एक ड्रेस था, उसकी कॉपी वो कर रहे थे और बगैर किसी प्रिंट के वो कढ़ाई कर रहे थे। हाउ मच एक्सपीरियंस शी इज़, आप सोच सकते हैं। उन्होंने बहुत ही जल्दी में विद इन 5 मिनट्स मेरे होते हुए ये बना ली थी, तो मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा, उम्मीद कर रही हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। चले जी रूटीन शेयर करते हैं आज से आपकी। बाज़ार जाने से पहले हमने बना दिया था खाना। आज बनाए थे भरे हुए करेले, कीमा भर के करेले अम्मी ने बना लिए थे। जब मैं आई हूँ घर तो अम्मी खाना बना चुकी थी, क्योंकि हमने मार्केट जाना था इसलिए वो टाइम से बनाई थी। यहाँ पे गैस का तो हमेशा इशू रहा है। ठीक होंगे, ठीक होंगे। पहले वो शॉपिंग दिखा दी, अब मैं दिखाऊंगा बच्चों की शॉपिंग। अच्छा। ये देखे, ये हमारी है, ये मेरी अम्मी, ये अम्मी लाई है, ये काशा की, ये मेरी है, ये मेरी है, नहीं आपके साथ वाली मेरी है। अच्छा, ये चूड़ियाँ भी लाई है अम्मी, चूड़ियाँ कितनी प्यारी। मैं वो चले गया हूँ वो घर पर। यहाँ पे शारिक बता रहा था कि वो क्या क्या शॉपिंग करके आया है। कुछ गाड़ियाँ ली थी बच्चों के लिए, किसी बच्चों को गिफ्ट देने के लिए अम्मी ने ली थी, और ढेर सारी चूड़ियाँ, पोनियाँ, कैचर क्लिप्स वगैरह लिए थे, और अम्मी लाई थी अपना शूज़। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम लोग पसंद करके आए थे। अभी कल जाएँगे मार्केट इंशाल्लाह और आपको कम्प्लीट विज़िट करवाऊँगी, विज़िट ना करवा सकी तो शॉपिंग ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अम्मी लाई थी मार्केट से, और मैं लाई थी अपने लिए सादा ड्रेस, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आपसे इंशाल्लाह। अभी मैं शारिक को होमवर्क करवा रही हूँ, देखिए कितनी मस्ती करता है होमवर्क करते हुए। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करवा कर इसको होमवर्क करवाना पड़ता है, इसका ध्यान हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। अभी क्योंकि शारिक जो है वो केजी क्लास में हो चुका है, तो इसको कंसंट्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अभी जो स्टार्ट ऑफ द टर्म है तो अभी इजी बिजी काम चल रहा है, तो वो माशाल्लाह ही खुद से कर लेता है। तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको आदत डाल रही हूँ कि अपनी बुक्स भी ये खुद रखे डेली की अपने बैग में, और अपनी डायरी जो है वो मुझे खुद बताया कि कौन सा काम मिला है, तो माशाल्लाह अभी ये अपना काम खुद से कर लेता है। अभी मुझे डायरी बता रहा था और कह रहा था कॉपी में मैंने घर का काम लिखना है, तो वैसे कहती चलो लिखो घर का काम, तो घर का काम इसने लिख लिया था, थोड़ी सी मिस्टेक्स थी मैंने इसे क्रैक कर दी। तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा इज़ ग्रोइंग अप नाउ, और बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, हो रहा है ऐसा ऐसा एक्टिव, जैसे आज कह रहा था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा, और बाकी काम भी अच्छे कर लेता है, स्कूल की पढ़ाई में भी अच्छा है माशाल्लाह। तो अभी इफ्तारी का टाइम हो चुका था और अब हम लोगों ने करना था इफ्तार। इफ्तार से पहले ही मैं इसको होमवर्क करवा लेती हूँ। इफ्तार में आज बनी थी फ्रूट चाट, समोसे, और साथ में बना था सालन, भरे हुए करेले, गंडेरियाँ थी, और बस यही सब कुछ था। फ्रूट चाट जो है वो खा के माशाल्लाह पेट भर जाता है, तो बस यही सब था इफ्तारी में। तो आज की इफ्तारी थी सिंपल सी, ईजी पीजी। तो अभी हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगी कि इस करेले को अम्मी ने कैसे बनाया। इसको ना अम्मी ने ऐसे सिलाई किया जैसे इसको ऑपरेशन किया हो और इसको सिलाई किया हो। वाह, चलो जी खोल ले,
दो घंटे लगे सिलाई करने में। कब बाद में यहाँ पे जी हम आए थे दूध लेने। जब भी आते तो अंधेरा ही होता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। मैं हमेशा टॉर्च चलाकर पटरी के पास खड़ी हो जाती हूँ। तो मैंने आपसे बात ये करनी थी कि आज जब मार्केट गई तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा मांगने वाले थे। आजकल मांगने वालों ने पेशा बनाया हुआ है। एक हस्बैंड और एक वाइफ बिल्कुल सही नॉर्मल देखने में लग रहे, अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हुए, बच्चा उठाया हुआ। पिछले साल भी मैंने उन्हें मार्केट में मांगते हुए देखा था और इस साल भी। और उनकी एक ही बात थी कि हम लोगों ने वो करनी है, अफ्तारी करनी है। ये अजीब सी बात लगी मुझे और मुझे लगा कि इन लोगों का पेशा है ये। तो अभी मैं घर आ गई थी, मैंने सोचा बेड स्प्रेड चेंज कर लेती हूँ। मुझे नीट क्लीन बेड स्प्रेड हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है हर रोज़ मैं नया बेड स्प्रेड बिछाऊँ। बेडशीट मैंने ये खुद बनाई थी, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि ये बेडशीट मैंने खुद बनाई थी। मैंने पहले ऊपर वाला क्लॉथ लिया, फिर उसके साथ नीचे जो मैंने झालर लगाया हुआ है और तकिए इस झालर जैसे बनाए ये मैंने मैच किए और फिर बनाए। तो अभी मैं जो है बेड की सेटिंग कर ली थी, अपना कमरा नीट कर लिया था। तो उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। बच्चों को मैंने दूध देना है, खुद भी मैं दूध लूँगी, मेडिसिन खाऊँगी और हस्बैंड को भी मैंने फेनिया बना के देनी है। बस ये मैंने उन्हें कहा कि पहले मैं कमरा ठीक कर लूँ एक दफ़ा, मुझे ज़रा तसल्ली हो जाती है। नीट क्लीन सा कमरा हो तो सोना भी अच्छा लगता है। तो अब क्योंकि सुबह मैं नहीं करके जा सकी थी, इसमें लेट हो रही थी, तो अब मैंने आकर किया है। ये मेरा कमरा हो गया था रेडी बिल्कुल। बच्चों का बेड भी मैंने रेडी कर दिया। वैसे तो बच्चों का कमरा साथ में है तो मैंने वो भी साफ़ कर दिया, लेकिन कभी कभी बच्चे जो है ना वो रात को उठ के हमारे पास आ जाते हैं तो वो यहाँ पे सो जाते हैं। मैं तो अभी भी कंबल लेके सोती हूँ कि रात को अक्सर बारिश हो जाती है। आप में से कौन कौन कंबल लेके सोता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अब मैं दूँगी बच्चों को दूध और ख़ुद भी मेडिसिन लूँगी और उसके बाद आपको सैरी की रूटीन दिखाएंगे। अभी मैं ये सारी जो चीज़ें हैं इनको इकट्ठा कर दूँ क्योंकि सुबह मेरा दिल है कि मैं वॉशिंग लगा लूँ। कमरा नीचे से फ्लोर भी मैंने साफ़ कर दिया था और सारा कुछ मैंने सेट कर दिया था। अभी मैंने ये दूध निकाल लिया है, हस्बैंड के लिए फेनियाँ रेडी कर दी हैं, अपने लिए दूध निकाल लिया है, बच्चों को फीडर्स में दूध डाल दिया है और बस हमारी रात की यही रूटीन थी। अब आपको सहरी में मिलते हैं। ये था जी सहरी का टाइम। आज हम लोग उठ गए थे दो बजे उठ के हमें रियलाइज़ हुआ कि अभी तो 2 ही बज रहे हैं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि अच्छा आज मैं बाहर से सहरी लेके आता हूँ, तो वो चले गए थे सहरी लेने। यहाँ पे फिर मैंने आप लोगों के सामने बस सहरी की ओपनिंग की है। आज मैंने सहरी बनाई नहीं है, आज मेरी छुट्टी थी सहरी बनाने से। तो हस्बैंड लेके आए हैं 2 सिंपल प्लेन बल वाले पराठे और 3 पराठे जो है ना आलू और कीमे के। मैंने पूछा इतने सारे पराठे क्यों लेके आए, तो उन्होंने कहा बस मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैं ज़्यादा ले आया हूँ। बच्चों को लंच में आज ये दे देना, क्योंकि शारीरिक एक दो दिन से फरमाइश कर रहा है आलू का पराठा। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि लेकिन वो लंच में बिल्कुल भी पराठा नहीं खाता। जब भी मैं उसे पराठा देती हूँ ना तो वो शेयर कर लेता है कि मैं जी आपके लिए लाया हूँ। कभी टीचर को कहता है, कभी अपनी खाला को कहता है आपके लिए लाया हूँ, कभी अपने फ्रेंड से शेयर कर लेता है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ चनों का सालन गरम। चनों का सालन मैंने खुद से बनाया हुआ था और अभी मैं इसको गरम करूँगी और उसके बाद सर्व करूँगी। बस यही हमारी आज की सहरी थी। हस्बैंड जो थे अचार भी लेके आए थे साथ। अचार जो है वो बहुत ही डिलीशियस था, बहुत मज़ेदार लग रहा था। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया पराठे खाने में। मुझे प्लेन पराठा अच्छा लगा, कीमे वाला पराठा बहुत हैवी था। सालन मेरा गर्म हो गया, अब मैं खाना सर्व करूँगी और हम बैठ के सहरी करेंगे और दुआ किया करें अल्लाह ताला आप सबके और हमारे रिस्क में बरकतें अता करें। तो अभी हस्बैंड जो है ना यहाँ पे सालन डालते हुए कह रहे थे कि ये सहरी तुम्हारी तरफ से है इसकी ये जो, मैंने उन्हें कहा नहीं नहीं मेरी तरफ से नहीं, ये आपकी तरफ से ही होती है हमेशा। तो अभी हम लोग सहरी करेंगे और उसके बाद नमाज़ कुरान पाक पढ़ के बस मैं जो है स्कूल जाने की तैयारी करूँगी। तो आप भी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह ताला आपके खानों में भी बरकतें दे, हमारे खाने में भी बरकतें दे। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी आसान करे, अगर कोई मुश्किलात परेशानी है वो दूर करे। खाने के बाद मैंने प्लान कर लिया लस्सी बनाने का, क्योंकि बहुत टाइम था। 2:10 पे हमने सहरी खा ली थी और उसके बाद 4:15 तक ढेर सारा टाइम था। फिर मैंने लस्सी बनाई, छोटे छोटे काम किए ढेर सारे। तो आज मैं प्लान करी थी कि मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं सो जाऊं तो फिर मैं इसे उठा नहीं चाहता स्कूल जाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सो जाऊं। यहाँ पे मैंने लस्सी बनाई है और लस्सी पियेंगे, इसके बाद आपको करेंगे अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर बींग विद अस, थैंक यू फॉर योर अलॉट ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।